नमस्ते जी, वैदिक राशि में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य चाणक्य का मत जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य की चाणक्य नीति के अनुसार जानने का प्रयास करेंगे कि आचार्य के तप, अध्ययन और युद्ध के बारे में क्या मत है। आइए इस बात को जानने का प्रयास करते हैं, विषय की ओर चलते हैं। आचार्य कहते हैं कि एकाकी न तपोदम्भ्या पठनम गायनम त्रभी चातुर्भर्यगम्यम क्षेत्रम पंचाभी बहुभी प्रणाम। अर्थात अकेले से तप, अर्थात जब आप तप करते हैं, कोई भी ईश्वर भक्ति का कार्य करते हैं, ईश्वर के साधना का कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ एक व्यक्ति सबसे उत्तम होता है। दो से अध्ययन, अध्ययन जब करते हैं आप अपने किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो उसमें दो व्यक्ति सर्वोत्तम होते हैं, ताकि आप एक दूसरे के मतों को जान सकें और जो बात, जो चीज़ें आपसे छूट रही हैं, वह भी आपका जो साथी है वह आपको बता सके। अध्ययन हमेशा दो लोगों से उत्तम होता है। तीन लोगों से गाना, गाने गायन वगैरह में तीन लोग बहुत अच्छे होते हैं। चार से यात्रा, यात्रा में अगर चार लोग होते हैं, साथ होते हैं, तो व्यक्ति किसी परेशानी में नहीं पड़ता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं और आप अच्छे से घूम सकते हैं, अच्छे से चीज़ें हो सकती हैं। ये एक अच्छा होता है अगर चार लोग यात्रा में साथ रहे। खेती के लिए पाँच लोग अच्छे होते हैं और युद्ध बहुतों से, जब कोई कठिन कार्य हो, कोई रण क्षेत्र हो, कोई युद्ध हो, तो उसमें आपको बहुत से जनों की सहायता लगती है। यहाँ युद्ध क्षेत्र से आशा यह भी है कि कोई बड़ा कठिन कार्य जो बहुत लोगों की आवश्यकता रखाता हो, ऐसे कार्य के लिए आपको बहुत लोगों का समर्थन चाहिए, बहुत लोगों का साथ चाहिए, बहुत तरह की आवश्यकताएं उस कार्य को पूरा करने के लिए अगर हो, तो उसके लिए बहुत लोगों के अलग अलग तरीके के मस्तिष्क के सुझाव भी आपको चाहिए। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से तप, अकेला तप अगर व्यक्ति करता है, साधना करता है, तो उसको अकेला होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि अध्ययन दो लोगों के साथ करें, तीन लोगों से गाना, चार लोगों से यात्रा, पांच लोगों से खेती और युद्ध बहुतों से अच्छा होता है, मददगार होता है। इसी तरह के अन्य नीतिगत वचनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।